I know Muslim. بسم الله الرحمن الرحيم. ما في السماوات وما في الأرض. जो इब्लिश है मैंने यूट्यूब पे देखा था और गूगल पे भी देखा था कि ये क्या है. तो जो इब्लिश हैगा वो मुस्लिम कल्चर में दिखाती है ये उनको ईव और एडम की तरह. ठीक है, मतलब जो ईव और एडम की कहानी है वो मुस्लिम तरीके से अलग है. उसमें इब्लिश नाम था जो एडम था. ठीक है, तो वही लूसीफर जैसा कोई बंदा था. लूसीफर ही था ना, नाम अलग था. स्टोरी बिल्कुल सेम है बट वो मुस्लिम कल्चर में दिखाई गई है. तो वो उसने इब्लिश को बोला कि वो फ्रूट खा लो और फ्रूट खाने से वो तुम्हें पावर आ जाएगी और बुद्धि आ जाएगी गॉड जैसी. और उसने खा लिया और उसको फिर जो गॉड थे उन्होंने उसको शैतान बना दिया और वो शैतान है इब्लिश. ठीक है, तो इब्लिश का मतलब ये है कि वो एक शैतान का नाम है. ठीक है, और हमारे अगर कोई व्यूवर आएगी जो मुस्लिम है तो उन्हें पता होगा, तो कमेंट करके तुम अच्छे से एक्सप्लेन कर देना. बाकी मैंने कर दिया है और अब शुरू कर दो. बहुत आज बहुत चिल्लाए गए हो. छोटी बच्ची हो क्या? ये रियल स्टोरी है अगर तुमको नहीं पता तो. Dungeon took place in the village of Yakaparik. Okay. Is this real story? The village is very religious as there are too many paranormal events in the village. Okay. A newly married couple set out for another settlement because of family pressure. Unfortunately, the bride dies in the traffic accident. Bride भी मर गई भाई. The groom's family does not feel sorry for the death because they don't love the bride, but there is a problem they do. Okay. The spirit of the bride haunts the house in a bad way, and she disturbs the household as much as possible. ठीक है भाई. Now the household is asking you to break the spell that this evil spirit has made to the house. ठीक है. अच्छा, तो फादर ही है, हमें बुलाया गया है उसको भगाने के लिए जो दुल्हन मर गई थी. द होल थिंग इज रियल एंड यू आर द मिन अल जिन्नत वन नास. ऑलराइट, पता नहीं भाई मैं इतना हंस रहा हूँ ना, मेरे को एकदम. तो उस विलेज में पहले भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती थी, पर जो वो एक कपल था जिसकी ब्राइड मर गई है, ठीक है, दुल्हन मर गई है, और उन लोगों ने दुल्हन के मरने पे बिल्कुल भी गम नहीं दिखाया क्योंकि वो दुल्हन को प्यार नहीं करते थे. और अब जो वो दुल्हन है वो उस घर को हंट करती है, मतलब भूतनी बन के घूम रही है वो घर के अंदर, तंग कर रही है सबको. ये सुनने में अच्छा लग रहा है ना. अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह. ठीक है, ओके. वो नाइस. अप डाउन, अप डाउन, लेफ्ट राइट, फूक मार रहा हूँ मैं. ओके, तो वो ये रूम तो पवित्र है पूरा है. मेरे को मेरी सास से सुनाई दे रही है, मेरे को मेरी सास से सुनाई दे रही है, इतना सन्नाटा. बाहर मौसम खराब है. चलो आओ बाहर चलते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ओके ओके, जो रियल लोगों की तस्वीरें लगा रखी है. नाइस, ग्राफ भाई, ग्राफिक्स कुछ ज्यादा. ओ भाई, ओए वेट, लाइट चली गई इधर की. ओ ओपन कर सकता हूँ मैं. नाइस नाइस, ओपन कर सकता हूँ मैं. अच्छा, ये झूमर की वजह से लाइटें वैसी हो रही है. ओ
हम डरते थोड़ी हैं, पूरा घर चेक करेंगे, एक एक चीज चेक करेंगे हम। आई फाइंड द की। ओके यहाँ पे और भी रूम है, काफी सारे रूम है यहाँ पे, घर तो काफी बड़ा है इन लोगों का। अरे यार यहाँ तो अंधेरा है। ओ ओके ये है किचन। ये घर तो वैसे ही भूतिया लग रहा है मेरे को देखने में, यहाँ तो आत्मा आनी आनी है। अंडे बड़े हैं भाई, वो लाइटर वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे, एक लाइटर ही दे दो यार। कोई लाइटर नहीं है, कुछ नहीं है, बाहर चलते हैं। इसके अंदर कुछ नहीं। ब्रेक द स्पेल, फाइंड द की टू द एग्जिट डोर एंड एस्केप द हाउस। ओके ब्रेक द स्पेल, फाइंड द की टू द एग्जिट डोर एंड एस्केप फ्रॉम द हाउस। बहुत आसान लग रहा है ना। वैसे जो भी है ना, क्या हो रहा है ये? इस बाथरूम में कुछ है, बता रहा हूं मैं तुम्हें। ये पड़ोसियों के गाने बज रहे हैं, इन्हें इन्हें डर नहीं लगता है? इनके बगल वाले घर में भूत है। दे सेड वी हैव टू स्पेल द ब्रेक। पहले हमें वो जादू तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद चाबी ढूंढनी पड़ेगी, फिर हमें यहां से निकलना पड़ेगा। पर हमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा, ना चाबी दिख रही, ना भूत दिख रहा, ना कुछ और दिख रहा। ये भाई आज से पेंटिंग है बस। अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर। अब हुआ ना शुरू, अब आ रहे हैं भूत, आ रहे हैं। पहला बला फूट गया है गाइस, पहला बला फूट गया है, कंग्रेचुलेशन। भूतों ने दस्तक देना शुरू कर दिया हैगा। ये दूल्हा है, ये दुल्हन है, ठीक है। ओके ओ ये कमरा अभी खुला है, ये कमरा अभी अभी खुला है, पता है? पहले नहीं खुला था, ठीक है। व्हाट द हैक, ओह शिट। लाइट फूट गई भाई, बत्ती बंद हो गई है। कुछ ला रहा है बाहर, भाई तो लोक हो गया गेट, फंस गए हम यहाँ। हाँ भाई तू कुछ कर ना, कुछ कर तू। बिस्मिल्लाह 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 भाई, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कौन है इधर से? आवाज आई है गेट बंद होने की, गेट खुलने की, या फिर वो ऊपर की आवाज थी? ये रूम में हम सेफ है, ठीक है। मैं सोच रहा था इस रूम में सेफ है। ये रूम तो सेफ होना चाहिए ना।
अबे कहाँ हूँ मैं? यहाँ मेरे को नहीं पता मैं कहाँ। ओ भाई भाई क्या तेरी भैंस की आंख, वो क्या ये गेम? अंधेरा देख ऊपर, पैर रखने की जगह नहीं है यार, कुछ इतना अंधेरे में कैसे जाएंगे हम? ओ शिट, आर यू किडिंग मी? वो डरते नहीं है हम, मैं स्ट्रॉन्ग बॉय। ठीक है मैं डर गया भाई। بسم الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. دردنيه. Dinner. What is this mean, bro? मेरे को गूगल करना पड़ेगा गाइस, गिव मी अ सेकंड। सिनर क्या होता है? तो सिनर का मतलब होता है पाप करने वाला। तो अब ये हमें सिनर क्या रहेगा, पापी क्या रहा है हमको? ठीक है गाइस, हमारी इंग्लिश कमजोर है पर गूगल जिंदाबाद। ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं है। भूत अरबिक में लिखे चाहे हिंदी में लिखे चाहे तमिल में लिखे, हम ढूंढ लेंगे उसको। ठीक है, तो चिंता वाली को बात है नहीं हमारे पास यहाँ पे। अरे कितना क्यूट बेबी है, किसका बेबी है ये? ऐ सच्ची मुच्ची के बच्चे ऐसे भूतों के गेम में फोटो लगा रखी है यार। ये जिनके साथ हुआ है ना उन सबके रियल फोटो लगा रखी है इन लोगों ने, ये रियल स्टोरी पे बेस है। मतलब सोचो ये फादरी की तो भाई ऐसी तैसी हो गई होगी जो सच्ची में वहां गया होगा, ऐसे भूत देखे उनने। बस मेरे पास वर्ड नहीं है बोलने के लिए। मैंने अभी क्या देखा, मैंने जो भी देखा वो बहुत ज्यादा वाहियात था, बहुत ज्यादा। वो देखने वाली चीज तो बिल्कुल भी नहीं थी जो मैंने अभी अभी देखी। ये क्या है? अरे की मिल गई, लेट्स गो। कौन से बेसमेंट? अरे भाई साहब बेसमेंट ही मेरे को सबसे बेकार चीजें लगती है भूतिया गेमों में, क्योंकि बेसमेंट ही सबसे ज्यादा वाहियात जगह होती है। ये क्या है बे? ना बड़ा बेसमेंट होता है क्या? पोतरी की
अपनी बीवी को घर में कौन दफनाता है पागल अकेलो ब्रो आई नो मुस्लिम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मेरे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह हस्बी अल्लाह व नअमल वकील ओ ये क्या हो गया बे खून पड़ा है इसके ऊपर ये क्या है प्लीज डोंट स्केयर मी क्या चाहिए भाई तेरे को क्या चाहिए तेरे को हैं इसे क्या करूं खोद दूं उसको छोड़ दूं करूं ना क्या है भाई प्यार से बात कर ले प्यार से बात कर ले हमसे प्यार से बात कर चल आना प्यार से बात करते हैं ठीक है मैं तेरे को कुछ नहीं कहता फाइंड फाइव डोल्स एंड ड्रॉप इनटू द ग्रेव ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगी कि हम डरे आगे पड़म ऐसे पकड़ेगा डोल को और दो तो हो गई हमारे पास चले जा गाइस गिनती करना दो ले लिया हमने ठीक है इतनी दो डोल हमारे हाथ में है डरते नहीं डरना नहीं है बस डरना नहीं है हमको चलो जी तीन हो गई चलो जी बहुत बढ़िया डोल दे दीजिए एक और डोल चाहिए हम आपको छुट्टी कर देंगे थैंक यू चलो जी हल्ला होगा अब पांच डोल आ चुकी है देखिए ड्राइए रखा नहीं हमको हम तुमको यहाँ से मुक्त कर देंगे आप फिर दूसरा जन्म लेना मजे करना भाई हद है बस हो गया खत्म चला दी हमने बेबीज बोलो अभी इसको शांति मिल जाएगी क्या पता नहीं ओह प्लीज प्लीज डोंट स्केयर मी प्लीज प्लीज डोंट स्केयर मी प्लीज मेरे को डराना मत अरे आ गया ना आ गया लिखा हुआ आ गया यू ब्रोक द स्पेल फाइंड द की एंड गो हाँ अब की भी ढूंढनी पड़ेगी हद है यार तुम तो बड़े बदतमीज हो फाइंड द की भी पूछ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ये क्या है भाई ठीक है सीन हो रहा है स्पेल ब्रेक हो गई है अब हमें चाबी ढूंढने निकलना है यहाँ से की नहीं आ रही अब की नहीं आ रही यार यही आ गई ना पीछ गेट की ब्रो डोंट गिव मी जंप स्केयर नाउ पीछ ठीक है भाई कोई जंप स्केयर नहीं है कुछ नहीं है चलो टाटा बाय बाय Nice. Thank you for playing Iblish. Okay, thank you. मजा आया हमको भी. तो Savage Kang इस वीडियो में तही आई होप कि तुमको डर लगाओ मेरे को तो बहुत ज्यादा डर लगा लिटरली मैं बता नहीं सकता ये कितना हो रहा था ठीक है सो अगर तुमको ये पसंद आया तो कमेंट करके मेरे को बताओ तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा था और मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब क्योंकि अगर तुम सब्सक्राइब नहीं करोगे तो तुम्हें नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आएगा ठीक है जल्दी से जल्दी बन के कराओ माई ओके सो या